हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड की एकदम इंस्टेंट मिठाई जो आपने अभी तक खाई नहीं होगी। तो इंस्टेंट ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखिए ब्रेड लिए हैं, यहाँ पे हमने नारियल का बुरादा लिया है, यहाँ पे हमने मलाई वाली जो दूध होती है ना वो लिया है। मलाई है इसमें ज्यादा, दूध कम है। तो ये दूध जो है ये हमारा ठंडा है, दूध है, गर्म दूध बिल्कुल नहीं लेना है हमें। और ये देखिए हमने मिल्क पाउडर लिया है, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं आप। यहाँ पे हमने काजू और बादाम को बारीक कट कर लिए हैं। यहाँ पे हमने एक कटोरी चीनी ली है और यहाँ पे हम कलर लिए हैं, आप चाहे तो कोई भी कलर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लीजिए। और यहाँ पे हमने देखिए अनार के दाने भी लिए हैं जो हमने पहले से ही इसका बीज निकाल लिया है। देखिए इंडक्शन पे हमने कढ़ाई को चढ़ा लिया, यहाँ पे हम डाल रहे हैं एक कटोरी चीनी, यहाँ पे एक कटोरी चीनी हमने डाला है, तो यहाँ हम डाल रहे हैं एक कटोरी पानी। चाशनी जो है हमें तार वाली नहीं बनानी है, हमें सिर्फ चाशनी को गाढ़ा करना है। यहाँ पे चाशनी देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच कलर, छोटी चम्मच से कलर को। मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया है, आप चाहे तो कोई भी कलर का ले सकते हैं। अब हमें इसे गाढ़ा करना है। तो चाशनी देखिए हमारी गाढ़ी हो गई है, हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने दूध की मलाई ली है, जो मलाई है ये फ्रिज में था, ठंडा मलाई है। आप भी जब भी लीजिए इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठंडी मलाई लेना है, गर्म मलाई तो बिल्कुल नहीं लेनी है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर, यहाँ हमने काजू बादाम को जो बारीक कट कर लिया है वो हम डाल रहे हैं 2 चम्मच, और हम डाल रहे हैं इसमें 1 चम्मच नारियल का बुरादा। इन सब चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमें क्रीम बनाना है। यहाँ पे देखिए जो हमने क्रीम बनाई एकदम परफेक्ट बना है, बहुत गाढ़ा नहीं है, बहुत पतला नहीं है। अगर बाई चांस आपका कभी आपने बनाया है आपका गाढ़ा हो जाता है तो उसमें आप थोड़ी सी ठंडी दूध डाल के उसे पतला कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे मेरे जो क्रीम मैंने बनाए बहुत ही अच्छे बने हैं, इसे हम साइड में रख देंगे। हम यहाँ पे जो ब्रेड लिए हैं, ब्रेड के स्लाइसेस, उससे लेंगे इस तरह से लेंगे। यहाँ पे हमने एक ब्रेड ले लिया है, यहाँ पे ग्लास लिया है, इसे हम गोल शेप में कट करेंगे, बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। देखिए इस तरह से इसे हम रख देंगे, ऐसे हम सभी को कट कर लेंगे। और ये जो बाकी का ब्राउन शेप पे बचा हुआ है, इसे हम किसी भी नाश्ते में कुछ भी बना रहे हैं मतलब यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है इसका। कोई भी नाश्ता आप बना रहे हो मतलब, इस तरह से हम सभी को कट कर लेंगे। और जो रेसिपी मैं आपको आज बता रही हूँ ना, यकीन मानिए इससे अच्छी मिठाई कोई हो ही नहीं सकती, मार्केट में भी इतनी अच्छी मिठाई नहीं मिलती है। बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बनने वाली है आज जो मैं बताऊँगी, मतलब आप खाने के बाद आप सोचेंगे कि वाकई में यार मिठाई बहुत ही टेस्टी बनी थी। ऐसे देखिए हमने सभी को काट लिया है, यहाँ पे देखिए गोल शेप में हमने सभी ब्रेड को कट कर लिया है। तो हमने लिए यहाँ पे क्रीम जो हमने बनाई है, तो एक ब्रेड स्लाइस कैसे उठाएंगे, और जो हमने क्रीम बनाई है उस पे इसे इस तरह से फिट करेंगे हम। इस तरह से लगाने के बाद दूसरे ब्रेड के स्लाइस को हम उठाएंगे, इस पे चिपका देंगे। जो मिठाई मैं बताने वाली हूँ यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनने वाली है आज। फिर दूसरे को भी हम इस तरह से देखिए चिपका देंगे, ऐसे हम सभी पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी ब्रेड के स्लाइस पे हमने रबड़ी को लगा लिया है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो चाशनी देखिए अच्छे से ठंडी हो गई है हमारी, अब जो हमने ब्रेड के स्लाइस को बनाया वो रख लेंगे। यहाँ पे हमने नारियल का जो बुरादा लिया था वो ले लेंगे। और हमें करना क्या है देखिए आप, हम एक ब्रेड को इस तरह से उठाएंगे, फिर हम चाशनी जो ठंडी हो गई एकदम अच्छे से, इसमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि चाशनी जो है ठंडी होनी चाहिए। और हम फिर नारियल के बुरादा में देखिए इसे कोट करेंगे अच्छे से। फिर हम दूसरे को उठा के
इसमें भिंगा देंगे इस तरह से, फिर हम इसे कोट करेंगे। ऐसे हम सभी को कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो मिठाई बहुत ही अमेजिंग बनी है, बहुत ही खाने में तो बहुत ही टेस्टी है, इसलिए इस रेसिपी को घर पे ट्राई ज़रूर करिए। और यहाँ पे जो हमने अनार के बीज लिए हैं, अब हम इसके ऊपर दो दो चार चार बीज को रख देंगे सभी पर। तो देख सकते हैं अनार के बीज को हमने इस पे हल्का सा सजा दिया है, बहुत ही अच्छे बने हैं ये। और जो हमारी रबड़ी बची हुई है उसे सोच रहे होंगे मतलब वेस्ट ना करें, उसे हम इसी अनार के दाने पर थोड़ा थोड़ा इस तरह से देखिए गिरा देंगे, ये और लाजवाब हो जाएगी खाने पे। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मतलब इतनी अच्छी ये मिठाई बनी है मैं बता नहीं सकती। देखिए बची हुई जो बची हुई रबड़ी थी मैंने उसे डाल दिया इस पे, बहुत ही अच्छी ये मिठाई बनी है। इस तरह से इस रेसिपी को घर पे ट्राई जरूर करिए। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। थैंक यू। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। तो देखिए हमारी मिठाई बन गई।